कैसे आपको बड़ी बड़ी मशीनें सीखनी है। जैसे ये मशीन अभी हमारी है पेवर, और अगर पेवर जो चलाने वाले ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। अभी ये जो है हेल्पर है, तो पेवर की स्किट चलाते चलाते फिर उसके बाद मशीन सीखते हैं, तो कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी लगभग। ये है अपना चौबेपुर थाने के लिए रैंप तैयार। तो अब ये रैंप तैयार हो गया, तो ये वाली जो वाल है ना, ये अभी हम लोग कटिंग कर देंगे, ये वाली वाल पूरा बढ़ा देंगे, तो थाने का गेट बंद हो जाएगा। थाने का गेट बंद होगा तो थाने के जितने चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। ये सामने है एमएस और ये इंजीनियर ब्लॉक, ये है अपना रूम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और अभी हम लोग खड़े हैं चैनल 418-300 पे, और अपना इधर हो रहा है बीसी की लेन। हमारी ये वोगले कंपनी की पेवर, अभी जो स्ट्रक्चर पे हो रही है लेइंग बीसी की, ये स्ट्रक्चर है एमएनबी, और ये हमारा अप्रोच लैब, ये एमएनबी स्ट्रक्चर है। और इधर चल रहा है अपना टेंडम रोलर। आज अपनी बीसी की लेंग है ना जो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ये थाने का रास्ता जो है सामने दिख रहा है, ये चालू कर देंगे। थाने का रास्ता चालू करते ही इधर की वाल जो हमारी आधी कंप्लीट है, ये पूरी कंप्लीट कर देंगे। और ये देखो अपनी चल रही है बीसी की लेंग। इधर आगे हमारी बीसी कंप्लीट हो चुकी है, केवल ये पैच बचाता है अप्रोच स्लैब और एमएनबी वाला, जिसमें भी काम चल रहा है। और इधर अपना सर्वेयर भाई चेक कर रहा है बीसी की लेवल। अपनी बीसी की लेंग है ना जो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ये थाने का रास्ता जो है सामने दिख रहा है, ये चालू कर देंगे। थाने का रास्ता चालू करते ही इधर की वाल जो हमारी आधी कंप्लीट है, ये पूरी कंप्लीट कर देंगे। और ये देखो अपनी चल रही है बीसी की लेंग। इधर आगे हमारी बीसी कंप्लीट हो चुकी है, केवल ये पैच बचाता है अप्रोच स्लैब और एमएनबी वाला, जिसमें भी काम चल रहा है। और इधर अपना सर्वेयर भाई चेक कर रहा है बीसी की लेवल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको डेली हाईवे कंस्ट्रक्शन ब्लॉग मिलता रहेगा। हाईवे कैसे बनता है, हाईवे में बनाने में कितनी समस्याएं आती हैं, और क्या क्या हमें बारीकियां ध्यान देनी पड़ती हैं, कितनी मैन पावर लगती है, और कुछ ऑपरेटरों भाई के लिए भी है कुछ, क्योंकि ऑपरेटरों भाई के लिए वैकेंसी भी निकलती होती है, उसको भी बताता रहता हूँ। कैसे आपको बड़ी बड़ी मशीनें सीखनी है, जैसे ये मशीन अभी हमारी है पेवर, और अगर पेवर जो चलाने वाले ऑपरेटर हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, तो पेवर ऑपरेटर की सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 तक भी रहती है। एज पर कंडीशन जो पुराने हो जाते हैं उनके 40-45 से भी ऊपर होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनरों को ऑपरेटिंग करने में भी काफ़ी पैसे मिलते हैं, तो अगर एक नॉर्मल आदमी भी है वो सीख लेता है कुछ दिन हेल्पर करके,
पेवर को, तो 35 से 40 हज़ार रुपये आज के समय में कमा सकता है। सैलरी होती है वो 35 से 40 हज़ार के बीच में हो जाती है। और अगर आप लोगों को पेवर सीखना है तो पहले सबसे पहले हेल्परी करनी पड़ती है, पेवर पे हेल्पर रखी जाती है कंपनी के द्वारा, तो ज्वाइनिंग भी होती है उसकी। तो पेवर पे पहले हेल्परी करनी पड़ती है, हेल्परी करने के बाद ही पेवर ऑपरेटर सीखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें स्किट होती है जो ये भी इधर चल रही है, स्किट दोनों साइड स्किट, पहले स्किट चलाना सीखते हैं आदमी, उसके बाद पेवर मशीन चलाना सीखते हैं। अभी ये जो है हेल्पर है तो पेवर की स्किट चलाते चलाते फिर उसके बाद मशीन सीखते हैं। तो कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग नियर अबाउट 6 से 8 मंथ, उसके बाद आप एक पेवर ऑपरेटर बन जाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी आरीवाल कंप्लीट हो चुकी थी, और ये चैनेज अभी हमारा है 418 910, और आरीवाल अपनी है 418 + 940 तक, लगभग यहाँ तक। तो आरीवाल कुछ पेंडिंग थी क्योंकि ये हमारा एग्जिस्टिंग रोड चल रहा था, इस रोड की वजह से विलेज रोड था, इसकी वजह से हम लोग आरीवाल आगे नहीं बढ़ाए थे। लेकिन अब इधर से गांव को रास्ता मिल गया है, जिसकी वजह से अब हम लोग आरीवाल की कटिंग करा के यहाँ तक पैनल खड़ा कर देंगे। अभी रास्ता उधर से चपड़ी चलने के लिए है, इस वजह से ये आरीवाल की देखिए कटिंग एक्सकवेटर आ गई है, कटिंग चालू कर दिया है। सबसे पहले लेवलिंग पैड बनाते हैं, क्योंकि ये जो आरीवाल खड़ी होती है ना हमारी, ये किसी एक बेस चाहिए, तो बेस के लिए हमारा एक लेवल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग PCC करके पैनल को। लगभग हमारी इतनी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, इधर से हम कटिंग करना चालू किए थे और ये कटिंग हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, यहीं तक पॉइंट था 418 940, मतलब आरीवाल का एंड हमारा यहीं पे है। और इसके साथ ही साथ हम लोग जब इस पर PCC करेंगे तो 9 मीटर विड्थ चौड़ाई में लेके चलेंगे, तो ये भी सारी मिट्टी जितनी है ये पूरी 9 मीटर तक, यहाँ से लेके 9 मीटर तक चौड़ाई में कटिंग होगी। एक्सकवेटर अपना काम करता रहेगा, आगे भी साइड देखनी है और भी काम देखने हैं। और ये रोड अभी हो गया है, इधर से शिफ्ट हमारा इस साइड से जा रहा है, अभी ट्रैफिक हमारा इस साइड से, ये है मैदा मिल और यहाँ पे सर्विस रोड आके हमारी इंड हो रही है। ये हमारी है 418 की A2 साइड की आरीवाल, जो हम 2-3 महीने पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं, मतलब यहाँ तक हमारा पूरा हाईवे बन चुका है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे देखते रहिएगा। ऊपर चल रहा है अपने आरीवाल में पैनल इरेक्शन, राइट के पैनल भी हमारे टॉप पैनल लग चुके हैं। टॉप पैनल लगने के मतलब क्या होता है, ये देखो पैनल सब बराबर हो गए हैं, ये होते हैं पैनल क्लोज, तो अब ये पैनल हो गए हैं क्लोज। और देखिए जैसे ये गैप्स है ना, ये गैप्स चल रहे हैं पैनलों में, तो ये है अभी आरीवाल बन रही है, और ऐसे अगर हो गया तो आरीवाल कंप्लीट, मतलब इसके ऊपर पैनल नहीं आएंगे, हम लोग टॉप तक पहुँच गए हैं। देखो ऐसे ही हो गया ना, ये जाके BOP में टच हो गया और ये टच हो गया दोनों वाल, और ये देखो थोड़ी ऐसी लग रही होगी आप लोग को, अगर एक नॉर्मल आदमी हो जो हाईवे के बारे में न जानता हो तो उसको यही लगेगा कि ये यार तिरछा है, तो ये है सुपर एलिवेशन में, क्योंकि अभी हमारी रोड ऐसे घूम रही है, जो एक्सकवेशन हो रहा था इस मैदा मिल के सामने हो रहा था, तो अभी ये आरीवाल हमारी ऐसे चल रही है सुपर एलिवेशन में, तो सुपर एलिवेशन में चलिए ऐसे टर्न हो रहा है रोड, तो इधर का अपना जो है ये माइनस कैम्बर हो गया और ये प्लस कैम्बर हो गया, तो सुपर एलिवेशन बोलते 5% से ऊपर के कैम्बर हो गए सुपर एलिवेशन में है, तो ऐसे करके पैनल ही लगे हैं। तो ये हमारे टॉप के कंप्लीट हो चुके हैं पैनल, ये देखो पूरा, अब इसके ऊपर फ्रिक्शन स्लैब रखाएगा। और दोस्तों आगे चलते हैं, अभी दिखाता हूँ, थाने के पास भी हम लोग DBM कर दिए हैं, अब जल्दी थाने का रास्ता भी काटेंगे ये वाला, और वो भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में। देखो भाई ये सामने हो गया अपना कंप्लीट थाने में रैंप, इधर से इधर हमारी सर्विस रोड हो गई है पूरी कंप्लीट ये, और ये है अपना चौबेपुर थाने के लिए रैंप तैयार। तो अब ये रैंप तैयार हो गया, तो ये वाली जो वाल है ना, ये अभी हम लोग कटिंग कर देंगे, ये वाली वाल पूरा बढ़ा देंगे, तो थाने का गेट बंद हो जाएगा, थाने का गेट बंद होगा तो थाने के जितने पीपल हैं जो भी व्हीकल्स हैं सब इससे जाएगी और इससे जाएगा, तो ये वाली वाल तो फ्यूचर में बढ़ेगा, जब तक ये थाने का कंस्ट्रक्शन नए वाले का नहीं हो जाएगा तभी थाना तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी इनके लिए टेम्प्रोरी रास्ता दे गया है, तो इधर वाली वाल काट लेंगे तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अपना हाईवे का भी काम निकल जाएगा। तो ये वाली वाल काटने का जल्दी प्रोग्राम हो रहा है, देखिएगा समस्याएँ तो आएंगी काटने में, लेकिन काटना तो है, काम तो करना है, परमिशन भी आ गई है, इसके पहले पिछले वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे परमिशन भी आ गई है, तो ये वाला भी वाल काट लेंगे आगे करने के लिए। और इधर देखिए ये कुछ माल ज़्यादा हो गया था BC का, जिसको बेलचे से थोड़ा फैलाया जा रहा है, लिंक तो पेवर से ही हुई थी लेकिन अब टेम्प्रोरी है तो इसको बेलचे से फैलाया जा रहा है, लेवल में से कोई लेवल तो देखने नहीं है, तो इस वजह से टेम्प्रोरी फैलाया जा रहा है, फिर इसके बाद रोलिंग करा देंगे, तो टेम्प्रोरी ये रोड चलता रहेगा, फिर लास्ट में जब करेंगे तो इसको सर्विस रोड तो बनाएंगे ही थ्रू, अभी एक टेम्प्रोरी व्यवस्था की गई। काफ़ी हाइट पे आरीवाल आ चुकी है, ये देखो इधर भी हमारी लेफ्ट साइड की आरीवाल भी लगभग टॉप तक हो गई है, इसके ऊपर फ्रिक्शन स्लैब बाकी है, जैसे ये रखा गया है ना फ्रिक्शन स्लैब,
ये बस बाकी है, नहीं तो टॉप तक तो पैनल लग चुके हैं। और थाने की वजह से ये आरीवाल रुकी हुई है अपनी, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और अपने पास टीएम भी आ चुका है। ये देखिए अब फिक्सन स्लैब के लिए पीसीसी चालू हो गई है। तो ये जो हमारी हाइट पे आरीवाल बनती है उसकी एंडिंग कैसे होती है ये अभी दिख जाएगा। तो ऐसे पीसीसी करते हैं, इसके ऊपर फिक्सन स्लैब रख के वाल को क्लोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों 5:30 बज गए हैं शाम के, साइड का वर्क हो चुका है लगभग कंप्लीट, पीछे चल रहा है वर्क। तो चलते हैं कैंप। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। तो फाइनली दोस्तों आ गए अपने ब्लॉग में, अपने रूम के पास। बहुत सुकून मिलता आने के बाद। ये सामने एमएस और ये इंजीनियर ब्लॉग, ये है अपना रूम।